प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज दिनांक 29 मार्च 2022 मंगलवार का दिन है। चैत्र मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है और द्वादशी तिथि 14:39 और 8 सेकंड तक रहेगी। आज चंद्रमा कुंभ राशि में है और 3 डिग्री पर विद्यमान है। आज धनिष्ठा नक्षत्र है और नक्षत्र 11:29 और 41 सेकंड तक रहेगा और नक्षत्र के स्वामी मंगलदेव हैं। दर्शकों, आज अगर त्योहार की बात करें तो आज प्रदोष व्रत है और आज का राहु काल 15:37 और 10 सेकंड से 17:09 और 49 सेकंड तक रहेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:55 तक रहेगा। दर्शकों, आज कोई रत्न धारण नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज के दैनिक उपाय के अंदर एक छोटा सा उपाय हम सभी को अवश्य करना है। चूंकि मंगलवार का दिन है, मंगल का ही नक्षत्र है, इसीलिए हम सबको हनुमान चालीसा का पाठ आज अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को आज मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आपको भगवान राम के जीवन से ही कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो आपको ये समझने पर आपको अवश्य मजबूर करेगी कि हम भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। दर्शकों, भगवान राम का जन्म जिस समय धरा पर हुआ या अवतरण हुआ, उस समय पर मर्यादा को स्थापित करने के लिए भगवान राम ने अपने जीवन के अंदर हर लीला को हमारे सामने रखा। चाहे फिर वो अपने पुत्र के कर्तव्य के प्रति उनका निर्वहन हो, मित्र के साथ उनकी मित्रता हो, या उस तरह का कर्तव्य जो उन्होंने मित्र के साथ निभाया हो, या अपने भाइयों के साथ जिस तरह का उनका स्नेह रहा हो, या राज्य के अंदर राम राज्य की स्थापना के लिए उन्होंने अपने आदर्शों को सामने रख करके लोगों के सामने उदाहरण पेश किया हो, ये सारी की सारी चीजें ऐसी थी जो भगवान राम को मर्यादा में रहते हुए एक उत्कृष्ट उदाहरण देने के लिए प्रेरित करती थी। क्योंकि वहां पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जो उन्हें किसी तरह के ऐसे कार्य को करने के लिए प्रेरित करे जो मर्यादा के खिलाफ हो। लेकिन जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब आप देखिए कि सारी मर्यादाएं तार तार हो चुकी थी। एक भाई अपनी ही बहन को जेल में डाल देता है, अपने ही भांजों का वध करता है, बचपन के अंदर ही उसे मारने का प्रयास करता है, भरी सभा में औरत को निवस्त्र करने का प्रयास किया जाता है, बड़े बड़े दिग्गज वहां ये सब कुछ बैठे बैठे देख रहे हैं। ये सारी की सारी घटनाएं ऐसी थी जहां पर यदि मर्यादा की पालना की जाती तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता था। क्योंकि अमर्यादित लोगों को समझाने के लिए कुछ अलग तरह का करना पड़ता है, यही हमें भगवान कृष्ण ने समझाया। लेकिन भगवान राम के समय पर मर्यादाएं नहीं तोड़ी गई थी, हर चीज मर्यादा के अनुसार थी। लेकिन जो मर्यादा तोड़ी गई रावण के द्वारा, उसमें भी आप देखिए साधु का वेश भर के माता सीता का हरण करता है, माता सीता के तिनका उठा लेने मात्र से वो रुक जाता है क्योंकि उसको अपना श्राप याद आ जाता है कि अगर मैंने अभी जबरदस्ती की तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। यानी चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से कुछ मर्यादाओं का पालन अवश्य किया गया। यहां तक कि भगवान राम ने लक्ष्मण को भी रावण के पास भेजा कि जाओ, मृत्यु शैया पर है और तुम उससे जाकर नीति का पाठ सीखो। दर्शकों, इसीलिए कहा जाता है कि भगवान राम ने जो आदर्श स्थापित किए वो मर्यादा के थे और एक श्रेष्ठ समाज में मर्यादा की स्थापना बेहद आवश्यक है, इसलिए रामराज्य की स्थापना की परिकल्पना की जाती है। लेकिन रामराज्य की स्थापना से पूर्व अधर्मी लोगों के अत्याचारों से संसार को मुक्त करने के लिए कृष्ण लीला भी अनिवार्य है, तभी रामराज्य की स्थापना होती है। आपको आज दर्शकों अच्छी तरह समझ आया होगा कि राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, क्योंकि उस कालखंड के अंदर अमर्यादित व्यवहार किसी की तरफ से भी नहीं होता था। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से दूसरे का संबंध बन रहा है
और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:21 और 14 सेकंड पर कुंभ लग्न बन रहा है। कुंभ राशि के अंदर ही सूर्यदेव हैं और बुध देव हैं और बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। वृषभ राशि के अंदर राहु देव हैं, वृश्चिक राशि के अंदर केतु देव हैं, मकर राशि के अंदर मंगल हैं, शनि हैं और शुक्रदेव हैं तथा कुंभ राशि के अंदर चंद्रमा है और बृहस्पति है और वहां वो दोनों मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में ब्रह्मांड में दो महायोग बने हुए हैं, पहला बुध आदित्य योग और दूसरा गज केसरी योग। ऐसे में इन दोनों योग के बनने के कारण से संसार के अंदर कुछ ऐसे घटने वाली घटनाओं के अंदर स्थिरता अवश्य आती है, लेकिन ये ज्यादा लंबा समय नहीं है, मात्र 2 दिन के अंदर ये गज केसरी योग भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में ये योग 2 दिन के लिए हमें शांति अवश्य देगा। दर्शकों, आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशिफल दे रहा हूं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए। मंगल आज आपको विशेष कामयाबी अवश्य देगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको कुछ बेहतर सुधार देखने को भी मिलेगा। चंद्रमा के कारण से आज आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। ऐसे में एकाग्रचित्र होकर के अपने कार्य पर फोकस कीजिए, आपको आज के रिजल्ट अच्छे अवश्य मिलेंगे। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए आज का दिन आपको कुछ चुनौतियां अवश्य दिलवाएगा। कार्य क्षेत्र में भी आपके प्रतिद्वंदी आप पर हावी रहेंगे। भाग्य का साथ भी आपको नहीं मिल रहा है तथा कार्य भी आप सुचारू रूप से करने में सक्षम नहीं है। ऐसे में कार्य की गंभीरता को समझिए और एकाग्रचित होकर कार्य कीजिए, इस पर आज आपको फोकस अवश्य करना है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको कुछ परेशानियां अवश्य दिलाएगा। भाग्य का साथ भी आपको नहीं मिलेगा। काम की लापरवाही आपको गंभीर परिणाम दे सकती है तथा मस्कुलर से संबंधित कुछ परेशानियां भी आज आपको अवश्य महसूस होगी। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही बुलंद रखेगा। चंद्रमा के कारण से दूसरों का सहयोग भी आपको मिलेगा और मंगल के कारण से आप आज असाधारण कार्य को करने के लिए भी तैयार रहेंगे। आज का दिन आपके लिए बेहतर है और इसका भरपूर फायदा आपको अपने लिए अवश्य उठाना चाहिए। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको कुछ विशेष सफलताएं अवश्य दिलाएगा, लेकिन चंद्रमा के कारण से आज आपको अपनों से थोड़ा सावधान रहना है। मन में नकारात्मक भाव को पैदा नहीं होने देना है। व्यवस्थित तरीके से यदि आप अपने कार्य को करेंगे तो आज का दिन आपको विशेष लाभ अवश्य देगा। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको थोड़ा सा जिद्दी रवैया अपनाने को मजबूर करेगा। काम करूंगा लेकिन अपने तरीके से करूंगा, किसी नियम कायदों को मैं फॉलो नहीं करूंगा। दूसरों का सहयोग आज आपको मिल नहीं रहा है, उनकी वजह से आपको तकलीफें और आ रही हैं। ऐसी स्थितियों का सामना आज आपको अवश्य करना पड़ेगा। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको मन की संतुष्टि तो देगा, लेकिन कार्य आपके व्यवधान के बाद में पूरे होंगे। ऐसे में आज अपनी सुख सुविधाओं पर आप पूरा ध्यान नहीं रख पाएंगे और बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने विचारधारा को मजबूती से पकड़े रहने के कारण से ही आज रिजल्ट मिल पाएंगे। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगा। कुछ कार्य ऐसे होंगे जिन्हें आप अपने बेहतर प्रबंधन के द्वारा पूर्ण करेंगे और जिसका पूर्ण प्रतिफल भी आज आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे में आज किए गए कार्यों का पूर्ण प्रतिफल आपको मिले, इसकी व्यवस्था कुदरत ने आपके लिए अवश्य की है। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। मंगल आज आपको वाणी की प्रमुखता देगा, यानी जो भी बात आप कह रहे हैं बहुत ही प्रभावी ढंग से कह रहे हैं, ऐसी स्थिति आज बनेगी। लेकिन काम की लापरवाही आपके परिणामों को प्रभावित अवश्य कर सकती है। ऐसे में पूरी तरह से काम पर फोकस कीजिए, यह आज आपको अवश्य करना चाहिए। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। धन के लेन देन में सावधानी रखिए, दूसरों पर भरोसा नहीं करना है और पैसे के लेन देन के अंदर किसी भी तरह की लापरवाही आज आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मजबूत इरादे के साथ कैलकुलेटिव तरीके से अपने कार्य को कीजिए ताकि आज आपको कोई भी नुकसान फिर ना हो। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ी विचारों की अधिकता आपको अवश्य देगा, लेकिन मंगल के कारण से आज किसी कार्य को करते समय दूसरों का सहयोग भी आपको आसानी से मिलेगा। आज कुछ विशेष उपलब्धि भी आपको अवश्य प्राप्त होगी। ऐसे में मन के विचारों को नियंत्रण में रखिए, फिर देखिए आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे।
मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन आपको कुछ खर्च करवा करके कुछ उपलब्धियां भी अवश्य दिलवाएगा। मंगल के कारण से मैनेजमेंट स्किल आपकी बढ़ी हुई रहेगी। कार्य को बहुत ही प्रभावी ढंग से आप करेंगे। जो चाहते हैं वो कार्य आपके आसानी से हो, इसकी व्यवस्था आज कुदरत ने आपके लिए करके रखी है। ऐसे में आज का दिन आपके लिए बेहतर है और इसका पूरा फायदा आपको अपने लिए अवश्य उठाना चाहिए। दर्शकों, आपको अगर आपका लग्न पता है तो आप अपना लग्न फल फॉलो करेंगे, और यदि आपको लग्न नहीं पता है तो आप फिर अपना राशि फल फॉलो करेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।